नीलगंगा क्षेत्र में गणेश प्रतिमा बनाने वाले लोग कोरोना गाइडलाइन की जानकारी नहीं होने के चलते परेशान हैं। आने वाले त्यौहार गणेश उत्सव को लेकर उज्जैन में गणेश प्रतिमा बनाई जा रही है। यहां नीलगंगा क्षेत्र में गणेश प्रतिमा बना रहे कलाकार असमंजस की स्थिति में है। दरअसल कलाकारों का कहना है कि इस वर्ष प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन की उन्हें जानकारी नहीं दी गई है। जानकारी के अभाव में वे ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि गणेश प्रतिमा कितनी फीट ऊंची बनाई जाए। हालांकि अभी केवल 2 फीट ऊंची ही गणेश प्रतिमा बनाई जा रही है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से अधिक ऊंची प्रतिमा बनाने के कारण गाइडलाइन की वजह से बिक नहीं पाई, जिसकी वजह से आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। मूर्तिकार चाहते हैं कि प्रशासन गाइडलाइन के विषय में जानकारी दें, इसके साथ ही ज्यादा ऊंची मूर्ति बनाने की अनुमति भी प्राप्त हो। प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं मिली, इसलिए हमने बड़ी मूर्तियां नहीं बनाई है। अभी 2 फीट तक की प्रतिमाएं बना रहे हैं हम लोग, और मूर्तियां में सारी बंगाली टाइप की मूर्तियां बनाई है हमने, मिट्टी की मूर्तियां बनाई है, और पुरानी मूर्तियां बड़ी वाली बहुत सारी बची हुई है, वो अभी भी रखी है। वो 2 साल से नुकसान हो रहा है कोरोना के चक्कर में। मूर्तियों के रेट तो थोड़े बढ़ेंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, तब कच्चा मटेरियल बढ़ गया है।